दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से नेचर को जरूरी माना है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मीडिया टेंशन या फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए ही नहीं। एक लंबे अरसे से हमारे कल्चर नेचर के सारे एलिमेंट्स को ना सिर्फ पूजा जाता है, बल्कि उन्हें हमारे एवरीडे लाइफ का भी पार्ट बना दिया गया है, जिस वजह से हमारे देश के आम लोगों में भी नेचर कंजर्वेशन को लेकर एक सजगता है। और इस दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जो कहते तो हैं कि वे नेचर की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनके कार्बन फुटप्रिंट्स दूसरी कहानी बयान करते हैं। और इस केस में तो हम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नेचर कंजर्वेशन एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं, और हमारा भारत इस बात को जानता ही नहीं, समझता भी है, जिस वजह से हाल ही में दुबई के कुछ सबसे पुराने बिजनेसेस में से एक अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी मंगवाई है जिससे नेचर कंजर्वेशन और बिजनेस डेवलपमेंट एक जगह पर आ गई है। और ये बात पूरी दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी एग्जांपल भी रखता है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां और देश भी अपने सर्वाइवल का इस्तेमाल एक एक्सक्यूज की तरह करते हैं, लेकिन दुबई में भाटिया फैमिली द्वारा चलाई गई इस कंपनी ने बिजनेस और नेचर के रिश्ते को एक बहुत जरूरी आयाम दिया है। और तो और, इसका बेस्ट पार्ट है कि इस प्लान को दुबई की अथॉरिटीज का अप्रूवल भी मिल गया है, जिसका मतलब है कि ये ना सिर्फ नेचर फ्रेंडली है बल्कि हर तरह से सेफ भी है, जिस वजह से इसे एक्सेप्ट करना सबके लिए आसान हो गया है। अगर प्लान की बात करें तो ये प्लान बेसिकली कंपनी के बिल्डिंग में एक स्वदेशी सोलर रूफिंग सिस्टम बनाने का है। सोलर रूफ भले एक आम छत की तरह बिल्डिंग को कवर करता है, इसे खास बनाती है इसकी बिजली जनरेट करने की क्षमता। और सबसे बड़ी बात कि जिस सोलर रूफ के बारे में हम बचपन से टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, आज उसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनते हुए देखना पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा ये रूफिंग सिस्टम सिर्फ देखने में ही अट्रैक्टिव नहीं है, ये हर तरह के मौसम को सर्वाइव कर सकती है, जो इसे रियलिस्टिक भी बनाती है। अब बस ये देखना बाकी है कि इस तरह के सॉल्यूशन भारत के बिजनेसेस कब तक आ सकते हैं, क्योंकि इनकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और उसे अचीव करने के लिए जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग और सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स की। और आखिर कब तक हम पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई करते रहेंगे और अपने देश में उनका एप्लीकेशन नहीं करेंगे? आपकी क्या राय इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।